हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक सिंपल निमोनिस्टिक से हेल्प से आप देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एंटीवायरल ड्रग्स जो है, क्योंकि बच्चों को उनको याद करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन भी मेनी टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में एंटीवायरल से क्वेश्चन आता ही आता है आपसे। ठीक है, और बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं, इनको याद करने में इनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बट आज बिल्कुल ट्रिक से हेल्प से हम लोग एंटीवायरल ड्रग को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट देखते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट नेम इंडिकेट कर रहा है एंटीवायरल ड्रग क्या होता है। एंटीवायरल ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वायरल के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। लाइक आपके एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। एंटीफंगल क्या होता है, एंटीफंगल फंगल के अगेंस्ट वर्क करते हैं। वैसे ही आपके एंटीवायरल ड्रग होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्शन को से क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हर्पीज वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग होगा वो आपका एंटी हर्पीज ड्रग्स होंगे। एचआईवी वायरस से अगेंस्ट जो ड्रग होगा वो आपका क्या होगा, आपके रेट्रोवायरस, इसी को और क्या बोला जाता है आपका एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। या फिर एचआईवी वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग यूज करते हैं उनको हम लोग एंटी एचआईवी ड्रग भी बोलते हैं। आपका इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट कौन सा ड्रग आएगा आपका, नेक्स्ट ड्रग आएगा आपका इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फ्लुएंजा, एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट। तो चलिए अब ट्रिक से हेल्प से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक से हम लोग वन बाय वन चीजों को याद करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, चलिए जल्दी से करते हैं आपका। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एंटी हर्पीस एजेंट। एंटी हर्पीस एजेंट कहने का मतलब है जो कि हर्पीस वायरस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए कौन कौन से ड्रग होते हैं, वेल साइक्लोविर हो गया आपका, आइडोक्स यूरिडीन हो गया आपका, पेन साइक्लोविर हो गया आपका, ग्वान साइक्लोविर हो गया आपका, फेम साइक्लोविर होगा और आरसाइक्लोविर हो गया। ये सब क्या है, एंटी हर्पीस ड्रग्स होते हैं। और इनको याद रखने का तरीका क्या होता है, वीआईपी लोग क्या होते हैं, वीआईपी लोगों को काफी ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग होते हैं, वीआईपी लोगों के काफी ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग होते हैं। वैसे कैसे याद रखोगे आप लोग, लास्ट में आपको साइक्लोविर नजर आएगा, लास्ट में आपको क्या इनको बस छोड़ देगा। ठीक है, आइडोक्सीरिडिन को आप एक्सेप्शन केस होगा, बाकी सब में आपको क्या नजर आएगा, साइक्लोविर 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 साइक्लोविर, तो सब में आपको साइक्लोविर नजर आएगा। और कैसे याद रखोगे आप लोग, वीआईपी लोगों के फैन फॉलोइंग ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है हर्पीस एजेंट। फिर बात करते हैं आपका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इसी को बोलते हैं आपके एचआईवी, एंटी एचआईवी ड्रग भी बोला जाता है, एंटी एचआईवी ड्रग भी बोला जाता है। एड्स के पेशेंट को इन्हीं वाले मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, और इनके भी फर्द हैं, इनके भी फर्दर आपके क्लासिफाई किया गया है इनको। देखिए, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में एनआरटीआई भी बोला जाता है। इनको याद रखने का तरीका है इनका, देखिए ड्रग का नाम पहले देख लेते हैं आपका, एबाकाकावीर क्या है, एबाकाकावीर होता है, जिडोविडिन होगा, सिटास्टाविडिन हो गया आपका, लेमिबुडिन और आपका डिनेनोसिन। ठीक है, डिनेनोसिन ये आपके ड्रग्स हैं। कैसे याद रखोगे आपका, एबाका की दीदी वुडिन है, एबाका की दीदी वुडिन है, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर भी आपका एबाका से क्या आपको याद रखना है, एबाकावीर, दीदी से आपको क्या याद रखना है, आपको डिडेनोसिन याद रखना है, और लास्ट में जिसका क्या है वुडिन जुड़ा होगा, जैसे जिडो वुडिन, स्टा वुडिन, लेमी वुडिन, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है आपका, लेमी वुडिन, क्या जुड़ा है वुडिन, तो वुडिन, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्या है आपका, और इस तरीके से याद रखना है आपको, नारी करके याद रखना है, एन आर आई करके याद रखना है, एन आर आई करके याद रखना है, एन आर आई दीदी क्या है, एन आर आई एबाका की दीदी वुडिन है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं। एक लास्ट में होता है आपका टू एन वाला होता है, डबल एन आर आई, डबल एन आर आई होता है, डबल एन का मतलब क्या होता है आपका, नॉन न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड, ये आपका न्यूक्लियोसाइड था, ये आपका क्या है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एंड याद रखना है। कैसे याद रखोगे, एंड ड्रग क्या हो आपका, इन्फावीरेंज, नेविरापिन और आपके डेलाविरिडिन, डेलाविरिडिन हो गया। ठीक है, और कैसे याद रख सकते हो चीजों को, देखिए यहाँ पर देखिए बीच में आपको क्या नजर आएगा, वीर नजर आएगा, बीच में क्या नजर आएगा, वीर नजर आएगा, जिसके बीच में आपको एंटीवायरल ड्रग में जिसमें आपको बीच में वीर वर्ल्ड नजर आएगा, मतलब कौन सा कैटेगरी ड्रग है आपका, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्लास की ये ड्रग्स होती है। और ट्रिक क्या है इसका, एंड करके आपको याद रखना है, ई से आपका ईफा विरेंज और आपका एन से आपका नेविरापिन और डी से क्या हो जाएगा आपका डेला वेरी डिन, तो वीर वीर
तीनों के बीच में नजर हमें आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास के ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। ये सब ड्रग्स आपके एचआईवी थेरेपी में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज क्या है? एक एंजाइम है। इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग को क्या बोलते हैं? इनको इनहिबिट करने वाले ड्रग को बोलते हैं नावीर। ट्रिक क्या रहेगा हमारे? नावीर। ये कैसे नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? प्रोटीन से नजर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब समझ लो प्रोटीन। और जिसके अंदर में प्रोटीन ना रहे वो क्या है? नावीर। तो नावीर से आपको याद रखना है आपको स्पिनावीर, इंडिनावीर और फेमिनावीर। तो ये क्या है? प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है कि आपका एक एंजाइम है, मतलब प्रोटीएज मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, और जिसमें प्रोटीन ना रहे वो क्या है आपका? नावीर है, क्योंकि इसमें वीर ही नहीं है। तो नावीर करके आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? इसके लास्ट में नावीर वर्ड जुड़ा रहेगा, वो आपका प्रोटीएज इनहिबिटर का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं फ्यूजन इनहिबिटर। फ्यूजन इनहिबिटर क्या होते हैं? जो कि आपके वायरस सेल को क्या है, वायरस को होस्ट सेल में फ्यूज होने नहीं देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फ्यूजन इनहिबिटर। और इनका एग्जाम्पल क्या है आपका? इन्फ्यूविरटाइड होता है। इन्फ्यू, तो इसमें कैसे याद रखना है आपको? इस तरीके से यहाँ पर आपको इन्फ्यू लिखा होगा और यहाँ पर इस फ्यू से आपको पकड़ना है चीजों को। जहां जहां पर आपको फ्यू लिखा हुआ है इन्फ्यूविरटाइड, इन्फ्यूविरटाइड, तो फ्लू जुड़ा हुआ है और यहाँ पर होगा आपका फ्यूजन इनहिबिटर। फिर बात करते हैं आपका एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट। एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट क्या होते हैं? जो आपके इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। इनका एक काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एमंटाडीन। कैसे याद रखोगे? ट्रिक क्या है? एमंटाडीन करके याद रखें, जिसके लास्ट में मंटाडीन लिखा होगा वो क्या है आपका? आपका एंटी इन्फ्लुएंजल एजेंट है। और इसका इंपॉर्टेंट है आपका, इन्हीं को यूज किया जाता है पार्किंसन में। पार्किंसोनिज्म जो आपका सीएनएस डिसऑर्डर है वहां पर इनका यूज किया जाता है, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एंटीवायरस ड्रग है जो आपका वायरस ड्रग तो है, वायरल को तो किल करेगा, बट साथ ही साथ इसका यूज हम लोग पार्किंसन डिजीज में भी करते हैं। तो कौन सा ड्रग है आपका? एमंटाडीन। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं पार्किंसन क्या है आपका? सीएनएस डिसऑर्डर। फिर बोलते हैं आपका एक नया एंजाइम देखते हैं आपका न्यूरामिनिडेज। एज लास्ट में जुड़ा है मतलब एक एंजाइम है। तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर के एग्जांपल क्या होता है आपका? ओसेल्टेमावीर। कैसे याद रखोगे? यहाँ पर नावीर रखे थे, यहाँ पर कैसे याद रखना है? महावीर याद रखना है। यहाँ पर नावीर, उसमें वीर नहीं था, यहाँ पर महावीर याद रखना है आपको, जो कि आपका न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर का एग्जांपल है। देखिए लास्ट में क्या नजर आएगा आपको? महावीर नजर आएगा। वहां नावीर, यहाँ पर महावीर याद रखना है, ठीक है। लास्ट में बोलते हैं आप लोग इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर में आपको ड्रग के बीच में क्या नजर आएगा? टेगरा नजर आएगा। टेगरा बीच में क्या नजर आ रहा है? टेगरा। तो टेगरा मतलब क्या होता है आपका? इंटीग्रेज इनहिबिटर। यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है आपका? इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर के एग्जांपल क्या होंगे आपके? रेल्टिग्रावीर, ठीक है। वीर है मतलब वायरल ड्रग है, और टेगरा है मतलब क्या है आपका? इंटीग्रेज इनहिबिटर। और लास्ट में एक मिसेलियस क्लास का ड्रग है आपका इंटरफेरॉन, ये भी क्या है आपका? एंटीवायरल ड्रग है। तो इस तरीके से हमने निमोनिक से हेल्प से आपका बिल्कुल एंटीवायरल ड्रग को कंप्लीट कर लिया है। केएनटी पार्टी का बुक रिफर कर सकते हैं, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये वहीं से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।